दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामद करता हूँ। तो देखिए, मैं आ गया दोबारा रोज़ेस के साथ। तो काफ़ी अर्सा हो गया मैं रोज़ेस की वीडियो नहीं बनाई। तो आज आपको ना अपने गार्डन में खिले हुए कुछ रोज़ेस दिखाऊंगा और बेल भी खिली हुई है, एक बहुत ही मज़े की ना, एक नई वैरायटी की बेल ना, जो मैंने आपको पहले आई थिंक सो कभी नहीं दिखाई। तो ये तो मैंने दिखाई हुई है बेल, एक और भी खिली है, मज़े मज़े के फूल भी खिले हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो प्यारी सी बेल, ये देखिए कितनी प्यारी है, ये देखो, ये देखिए इसके फूल देखिए आप। ये बेल है बड़ी और बहुत ही हार्डी बेल है, इंतहाई दर्जे की हार्डी बेल है ना। ये फूलों का साइज़ भी काफ़ी है, काफ़ी बड़ा, ये देखिए इसकी निस्बत काफ़ी बड़ा फूलों का साइज़ है, अच्छी लगती है। अगर मैं आपको कहूँ कि दोनों की अपनी जगह है ना, दोनों बेलों की ना, काफ़ी मल्टीपल पेटल है, इसमें फूलों की खुशबू नहीं है, ये ग्राफ्टेड है नीचे से, और ये इसकी लंबी सी टहनी आ रही है अंदर से, ये देखिए, और यहाँ पर भी इसकी एक टहनी जा रही है, ये पीछे छुपी पड़ी है बेचारी। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसका एक फूल खिला हुआ है, और यहाँ पे ये बाहर निकल आई टाइम, तो इसको धूप मिल गई, तो यहाँ पे इसका देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। तो ये देखिए दूसरा प्लांट देखिए, ये सेंटीमेंटल रोज़ है, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, कांटों से भरा हुआ प्लांट होता है, और डाई बैग का शौकीन प्लांट है, इसको डाई बैग बहुत लगता है। धूप में ना इसके डिफरेंट ही कलर होते हैं, इस फूल को देखिए कि और शेप है, उसकी और शेप है, कलर भी चेंज है, तो ऐसे बदलता रहता है ना ये कलर, सेंटीमेंटल रोज़ कहते हैं इसे। ये देखिए ये येलो कलर का रोज़ जो बाद में वाइट हो जाता है, कितना प्यारा लग रहा है, इसका साइज़ अच्छा लगता है मुझे ना, इसके पेटल देखिए कितनी प्यारी लग रही है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसको आज मैं काट के ले जाऊँगा अपने साथ, और ये साथ ही एक और किस्म का येलो जो खिलते ही वाइट हो जाता है और फिर बाद में रेड हो जाता है। एक भाई ने पूछा था कलर बदलने वाला रोज़ बताओ, तो ये देखो ये कलर बदलने वाला, ये पहले वाइट होता है और खिलता येलो है, फिर वाइट हो जाता है, फिर एंड में रेड हो जाता है, ये देखिए रेड हुआ पड़ा। अच्छा, इसमें ना एप्रिकॉट टाइप की खुशबू भी है, ये मैं इसके करीब हूँ तो एप्रिकॉट की खुशबू आ रही है। और ये देखिए एक भाई ने मुझे ऑरेंज रोज़ का कहा था, जो अच्छी वैरायटी है रोज़ की ऑरेंज की, ये देखिए ये है बड़ा, कितना डार्क कलर हो गया, इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। ये पहले 2 साल तो बहुत ही मुश्किल से बचा, कम हार्डी रोज़ है, लेकिन फूल बहुत लगते हैं इसमें, पूरा गुच्छी ग्रैंडी फ्लोरा की वरायटी, अभी तो एक एक फूल लगा हुआ है ना, लेकिन ग्रैंडी फ्लोरा की वरायटी है ये, तो जाते हुए फूल है ना, अब जब आएगी तो बाहर आते हुए फूल, वो दिखाऊंगा आपको इसके। और ये देखें, ये भाई मेरे से पूछ रहे थे अपने, वो दिखाओ हॉलैंड वाले रोज़, तो ये देखें ये भाई ये फूलों पर आए हैं, जो मैं इनके काट दूँगा फूल, क्योंकि मैंने इसका आखिरी फ्लश के लिए इनको राइट वो करना है, रेडी करना है, थोड़ी सी ना इनकी ग्रोथ निकलवानी है, काफ़ी फूल लगे हुए हैं, ये देखिए इधर भी लगे हुए हैं, और ये स्पेंड हो गए हैं, और यहाँ भी लगे थे जो स्पेंड हो गए हैं, तो काफ़ी फूल लगे हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये हॉलैंड वाला पिंक है, ये देखिए एक और रोज़, ये भी ऑरेंज है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत प्यारा लगता है, इसके में कलर शेप बहुत अच्छी लगती है, ये अच्छा रोज़ है, फूल अच्छे निकालता है, लेकिन हाइट वगैरह इतनी नहीं बढ़ाता, थोड़ा सा ना काम हार्ड ही है, यानी कि नखरेबाज है थोड़ा। ये देखिए यहाँ भी हॉलैंड वाला रोज़ खड़ा, अंदर ही घुस गया उसके, अब इसके भी सारे फूल नया बॉडी, देखो कुछ फूल स्पेंड हो गए हैं, कुछ अंदर से खेल रहे हैं, तो ये देखो बहुत प्यारा लगता है दूर से, देखो ना फूल गुलदस्ता बना होता है, लेकिन इसको मैं खाली कर दूँगा, आज ही खाली कर दूँगा, और आपको वो दिखाता हूँ हमारा प्यारा सोना मोना सा डबल डिलाइट, कमाल का फूल है ये, बहुत ही प्यारा है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के इसके फूल लगते हैं, और यहाँ पर कांटे बहुत हैं, ये देखिए ये भी खेल रहे हैं, तो ये बारिश आई है, तो ये देखिए पत्तों पे ना हल्की सी बारिश आ रही है, जो गन मचे पड़ा पत्तों पे, ये देखिए ये देखिए ऑरेंज कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत प्यारा है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट रोज़ है, ऑरेंज येलो कह सकते हैं, येलो में ना ऑरेंज शेप वो देता है, रेडिश इसकी एजेस होती हैं, कितना प्यारा है, देखो तो सही यार कमाल है ये रोज़ ना, इसकी मैंने कटिंग लगाई है इस दफ़ा, कुछ लागी गई हैं, 3-4 लागी गई होंगी, तो ये बढ़ गया है मेरे पास, मुबारक हो। और ये भाई मेरे से पूछे तो पिंक वाला कौन सा है आपके पास, जो खुशबू वाला है, और इसकी खुशबू डबल साइड से भी ज़्यादा है, ये है बड़ा भाई पिंक वाला मेरे पास, ये देखिए माशाल्लाह से खिल गया इस दफ़ा, क्योंकि धूपें निकली है ना, वरना ये पूरी सर्दियाँ खिला ही नहीं है, बंद ही इसके फूल गिर गए थे, तो ये है पिंक वाला, बहुत खुशबू है इसकी, और इसकी टहनी में कांटे कम होते हैं, बड़े प्यारे पत्ते बनाते हैं, इसके ऊपर एक और खड़ा है, जिसने इसको बड़ा नहीं होने दिया, तो स्ट्राइप में ऑरेंज है, ये देखिए ये कमाल का रोज़ है, बड़ा ही हैवी ग्रोथ करने वाला रोज़ है, अन्य वाला ग्रो करता है, अगर आपने एक रोज़ लगाना है खुली सी जगह है, तो इसको लगा दो, ये पूरी जगह को भर देगा, तो स्ट्राइप में ऑरेंज है ये, आपको ज़रा करीब से मैं कहा इसका दीदार करा दूं कि देखो कैसी इसकी शक्ल है। तो यहाँ पे डबल डाइट ने बहुत ज़्यादा खुशबू फैलाई, एक फूल खिला हुआ यहाँ पर अकेला में लगाया हुआ था मैंने, तो एक खिला हुआ, लेकिन इंतहा दर्जे की खुशबू है, तो यहाँ कम धूप पड़ती है ना, वहाँ इसकी खुशबू बहुत फैलती है। तो चलें इसी पे एंड करते हैं, कुछ और रोज़ेस भी हैं पड़े, लेकिन वो भी मैं आपको नहीं दिखा रहा, तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिए, को शेयर भी कर दिया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।